यू आर अ वेजिटेरियन ब्रो, प्रोटीन कहाँ से लाएगा ब्रो? वेजिटेरियन फूड्स में इनफ प्रोटीन होता है एंड ना ही वो इनकम्प्लीट होता है, जैसा आपने सुना होगा। वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू यश शर्मा फिटनेस, और आज हम बात करेंगे अबाउट टॉप 5 वेजिटेरियन प्रोटीन फूड्स की जो इजिली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। बजट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये सारे फूड्स हमारी एवरीडे डाइट का पार्ट होंगे। हम बजट रेटिंग करेंगे बेस्ड ऑन पर 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। लो फैट पनीर, बहुत से वेजिटेरियंस पनीर कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में प्रोटीन के लिए, बट ये बहुत ज्यादा हाई इन फैट्स भी होते हैं। पर 100 ग्राम 20-25 grams ऑफ फैट, यानी अगर आप 300 grams ऑफ पनीर भी कंज्यूम करते हैं तो आप 60-75 grams ऑफ फैट ऐड कर लेंगे अपनी डाइट में। इतना सारा फैट एक ही मील में कंज्यूम कर लेंगे, प्लस एडिशनल फैट्स जो आपके बाकी सभी मील्स में होगा, तो आपकी कैलोरिक इनटेक पर डे बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी एंड आप मसल से ज्यादा फैट गेन करेंगे। इसलिए मैं वेजिटेरियंस को सजेस्ट करता हूँ टू कंज्यूम लो फैट पनीर। लो फैट पनीर आता है फॉर 100 rupees पर 200 ग्राम, 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 5 ग्राम ऑफ फैट एंड 8 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको लो फैट पनीर से पड़ेगा फॉर 30 rupees। नट्स, हमेशा कहता हूं कि नट्स कैलोरीज का एक ट्रेजर है, बढ़िया टेस्ट के साथ साथ ये बहुत ही शानदार वेट गेनिंग फूड भी है। अगर आपका गोल वेट गेनिंग नहीं भी है तब भी आपको नट्स कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि ये लोडेड होते हैं विद हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स एंड हर एक सर्विंग के साथ आपको मिलता है क्वालिटी बोनस प्रोटीन कंटेंट। 100 ग्राम नट्स में आपको मिलते हैं अबाउट 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 50 ग्राम ऑफ फैट्स एंड 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपकी डाइट में 70 ग्राम ऑफ फैट्स है फॉर एवरी डे एंड इसमें 40 ग्राम ऑफ फैट्स आप नट्स से इंक्लूड कर लें, तो आप अपनी डाइट में 16 ग्राम ऑफ एडिशनल प्रोटीन भी ऐड कर लेंगे। नट्स का प्राइस है 700 rupees पर केजी, यानी 100 ग्राम ऑफ नट्स आपको कॉस्ट करेंगे 70 rupees एंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन फ्रॉम नट्स आपको पड़ेंगे फॉर 35 rupees विद अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्दी फैट्स। मिल्क, मिल्क एक गिफ्ट है वेजिटेरियंस के लिए जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं। इसकी हर एक सर्विंग के साथ आपको मिलता है हाई क्वालिटी केसीन प्रोटीन विद ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कुछ लोग कहते हैं कि मिल्क अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का क्योंकि इसमें लैक्टोज है, बट गाइस लैक्टोज हार्मफुल नहीं है अनलेस आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है। 1/2 liter लो फैट मिल्क का पैकेट आपको मिल जाएगा फॉर 18 rupees। इसमें आपको मिलेंगे 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको पड़ेगा फॉर ओनली 12 rupees। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप फुल क्रीम मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसका फैट कंटेंट आपके लिए बोनस होगा। लेग्यूम्स, लेंटिल्स एंड पल्सेस, बेसिकली दाल। गाइस इंडिया में 20 से ज्यादा टाइप की दाल अवेलेबल है एंड पर 100 ग्राम दाल में आपको मिलते हैं 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत सिमिलर है चिकन एंड फिश से, 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ओनली 2 ग्राम्स ऑफ फैट। एक चीज याद रखें, अगर आप दाल से प्रोटीन लेना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आप कम से कम पानी में अपनी दाल को कुक कर रहे हैं ताकि वो काफी थिक हो, नहीं तो वो कुक होने के बाद 12 से 15 कटोरी दाल हो जाएगी, जो काफी मुश्किल है एक बारी में कंज्यूम करना। मोस्टली दाल आपको कॉस्ट करेगी 60-80 rupees पर किलोग्राम, यानी 100 ग्राम दाल आपको कॉस्ट करेगी फॉर ओनली 6 rupees एंड 10 ग्राम प्रोटीन दाल से आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 3 rupees। गाइस ये सबसे सस्ता सोर्स है प्रोटीन का इन वेजिटेरियन फूड्स। अगर आप एक बॉल दाल के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे कैलकुलेट करें वो जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सोया चंक्स, वेजिटेरियन फूड्स में सोया चंक्स में आपको हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट मिलेगा। क्या सोया? मैंगोस। वेल गाइस आई गारंटी कि सोया कंज्यूम करने से आपके एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज नहीं होंगे। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी रिसर्च है जिसमें ये नोट किया गया कि 50 ग्राम ऑफ सोया हर रोज कंज्यूम करने से भी मेन पर
कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हुआ। मैं इस रिसर्च का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। 100 ग्राम सोया में आपको मिलता है 50 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। एक पैकेट सोया आपको कॉस्ट करता है 40 रुपीज, जिसकी क्वांटिटी होती है 200 ग्राम, यानी 100 ग्राम सोया आपको कॉस्ट करेगा ओनली 20 रुपीज एंड 10 ग्राम प्रोटीन सोया से आपको पड़ेगा फॉर 4 रुपीज। ये काफी अच्छी डील है एंड आप हर रोज 50 ग्राम ऑफ सोया कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी ट्रबल इन योर स्टमक और इन योर मैन बूब्स। प्रोटीन पाउडर्स, गाइस मैंने प्रोटीन पाउडर को अपने टॉप 5 लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से लोग कहेंगे कि ये फूड सोर्स नहीं है, ये सप्लीमेंट है। गाइस इट इज 2017, आपको ये पता होना चाहिए कि वे प्रोटीन बनता है एक नेचुरल फूड सोर्स मिल्क से। नॉन वेजिटेरियंस के पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं फॉर रेडी टू ईट प्रोटीन सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आई ईट नॉन वेज, अगर मैं लेट हो रहा हूँ एंड मैं खाना कुक नहीं कर सकता तो मैं 2 स्लाइस ब्रेड लूंगा और उसमें 3-4 स्लाइसेस ऑफ चिकन हैम ऐड कर लूंगा एंड आई विल गेट 20-40 ग्राम ऑफ प्रोटीन इजीली। बट वेजिटेरियन डाइट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वेजिटेरियंस को हमेशा सजेस्ट करता हूँ टू ऐड वे प्रोटीन इन देयर डाइट ताकि वो अपना प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कर सके एट टाइम्स जब आप ज्यादा कुक नहीं कर सकते। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और अफोर्डेबल वे प्रोटीन आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो ऑन टॉप 5 वेजिटेरियन प्रोटीन फूड्स। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग डाइट भी है, सो उसको डाउनलोड करना ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।